Hey guys, in this video मैं आपको बताने वाला हूँ कि how to use the graphite. Graphite हमें बहुत मदद करता है अपनी artworks को improve करने में, shading में और बहुत सारी चीज़ों में अपनी artworks बनाने के लिए. तो वही बताने वाला हूँ कि how to make the graphite at home. तो let's start. I use the pencil of Doms and a container to make to collect the graphite powder. मेरे पास थोड़ा सा graphite powder वैसे ही रखा है और मेरी रिसेंटली ड्राइंग्स में मैंने ग्रेफाइट पाउडर का ही यूज़ करा है. तो ग्रेफाइट पाउडर को बनाने के लिए मैं एक ये शीट यूज़ कर रहा हूँ और उस पर हमें अच्छे से ग्रेफाइट पाउडर को घिसना है. हम मैंने अच्छे से घिसना है ताकि ग्रेफाइट पाउडर सारा निकल जाए. अब मैं ग्रेफाइट पाउडर का सबसे पहले आपको पेज पे शीट पे यूज़ करके दिखाऊँगा. तो ये ग्रेफाइट इतना हमारे पास ग्रेफाइट पाउडर निकल जाता है. मैं ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ इन्हें ब्लेंड करने के लिए. आप चाहे तो कॉटन का भी यूज़ कर सकते हैं. कॉटन का भी यूज़ होता है इसमें ब्लेंड करने के लिए. कॉटन वुड का भी और टिश्यू पेपर से भी आप ब्लेंड कर सकते हैं. मैं यहाँ पे सबसे पहले इससे ब्लेंड ब्रश से ब्लेंड कर रहा हूँ. तो देखिए ब्रश से जहाँ जहाँ ब्लैक ब्लैक हैं. अगर आपको ज़्यादा डार्क करना है तो आपको बहुत सारा ग्रेफाइट पाउडर ही यूज़ करना होगा. तो मैंने अभी जितना ग्रेफाइट पाउडर यूज़ करा उससे इतना ही ब्लैक हुआ है. अब हमें पेंसिल को घिसना है शीट पे और थोड़ा सा और निकलेगा हमारे पास पाउडर. फर्स्टली आई शार्प माई पेंसिल. जो जितना निकला था वो मैंने कंटेनर में डाल दिया है. अब मैंने अपनी पेंसिल को शार्प कर लिया है और मैं शीट पे वापस से इसको घिसने लगा हूँ. हमारे पास बहुत सारा ग्रेफाइट पाउडर निकल आया है. तो इतना हमारे पास घिसने पे ही हमारे पास ग्रेफाइट पाउडर निकल आया. अब हमें इसे कंटेनर में डाल देना है. ऐसे कर करके आप अपने आप ग्रेफाइट पाउडर को जमा कर सकते हैं और अपने ड्राइंग्स को इम्प्रूव कर सकते हैं ग्रेफाइट पाउडर से. तो मैं अब आपको ग्रेफाइट पाउडर अपनी एक आर्टवर्क रिसेंटली आर्टवर्क पे दिखा देता हूँ कि कैसे मैंने इसको बनाया था ग्रेफाइट से. ये पूरी आर्टवर्क मैंने ग्रेफाइट से बनाई थी जिसमें एक लड़की की ड्राइंग थी. तो आई यूज़ द ग्रेफाइट एंड आई यूज़ इन द ब्लैंकेट. ये देखिए ग्रेफाइट की तरह अच्छे से ब्लेंड हो रहा है. मैंने यहाँ पे भी ब्लेंड करके दिखा दिया आपको. स्किन टोन के लिए भी ग्रेफाइट का बहुत अच्छा यूज होता है. तो मैंने यहाँ पे इसको ब्लेंड करा जिससे स्किन टोन दिख रही है और यहाँ पे डार्क एरियाज में भी कर दिया है मैंने ब्लेंड. ये देखिए डार्क एरियाज में भी अच्छे से हो चुका है ब्लेंड. थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को. नेक्स्ट वीडियो चारकोल की आएगी तो उसके लिए सब्सक्राइब.